शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्ते बाबा। कैसा है विशु? ठीक हूँ बाबा। कैसा है रे? ठीक हूँ। और सुना, रशीद भाई ने दो पेटी भेजा है? हाँ। और बदले में उसे पठानवाड़ी का चार गाला चाहिए। काम हो जाएगा। सावन का क्या हुआ? कह रहा था कुछ ही दिनों में कर देगा। हाँ। हनीमून कैसा रहा? ठीक था। क्यों भाई, सुरेखा याद कर रही थी? हाँ, उसे बोल देना बाद में उसे मिल लूंगा। चल अभी कल्टी मार। बाद में। ओके। नमस्ते बाबा, चलता। रशीद भाई वाला काम हो गया? जी बाबा, गुड। अरे हाँ, याद आया, वो पिल्लई का फोन आया था। अपना जो नासिक वाला होटल है उसका बिजनेस बहुत गिर गया है पिछले महीने से। ऑक्यूपेंसी रेट कुछ ज्यादा ही कम हो गए। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बाबा, जब मैं अपनी कंपनी में काम करती थी तो गोवा का एक बहुत बड़ा होटल हमारा क्लाइंट हुआ करता था। हमारी मार्केट रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल दी और दोबारा उनके बिजनेस में मुनाफा होने लगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे फ्रेंड के पास है, अगर आप कहें तो मैं मंगा लेती हूँ। खाना खाओ। अरे मैं तुम्हें बेडरूम में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो? आओ। क्या हुआ? विवेक, क्या मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस का भी हिस्सा नहीं बन सकती? बाबा की बात का बुरा मान गई। बात ऐसी नहीं है अनु। तो फिर कैसी बात है? तुमने पहले कहा कि माँ और बाबा को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं, तो मैंने छोड़ दी। कम ऑन अनु, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, बाबा को पॉलिटिक्स और बिजनेस में औरतों का बोलना बिल्कुल पसंद है। मेरा मतलब है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, दोनों पुराने ख्यालात के हैं, वक्त के साथ बदल जाएंगे। तुम मुझे शादी के पहले एक रूल बुक दे देते कि शादी के बाद अनु तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। अब मैं घर बैठे बैठे क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गो आउट, सी फिल्म्स, मीट फ्रेंड्स, घर के काम में इंटरेस्ट ले लो। Come on, cheer up. I'm waiting for you in the bedroom. बनवारी काका? हाँ? क्या बन रहा है आज? पालक पनीर बना रहा है। पालक पनीर? हाँ। लाइए, आज मैं आपको एक डिश बनाकर खिलाती हूँ। लाइए मुझे दीजिए बहू जी। अरे दीजिए ना बनवारी काका। थोड़ा कोथमीर और टमाटर दीजिए वहां से। हाँ। अनुराधा जी, मेरे ख्याल से हमारे घर में काफी नौकर चाकर हैं। चौहान खानदान की बहू की जगह किचन में नहीं है। माँ जी, कल जब ड्राइंग रूम में मैं सामान इधर से उधर रख रही थी तब आप ही ने मुझसे कहा था कि ये घर 40 साल से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, और अब मुझे तो लगता है कि चौहान खानदान की औरतों की जगह ना तो ड्राइंग रूम में है और ना ही किचन में है, तो सिर्फ अपने पतियों के बिस्तर में है। एकदम महीन पीसा जैसे उसने पीसी है। वो उठाओ, वो भी उठाओ। अनुराधा, कहाँ जा रही हैं आप? आप तो जानती हैं मेरे फ्रेंड्स का फोन आया था, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ।
हो सकता है शाम को लौटते वक्त लेट हो जाए। विवेक को पता है? ऑफिस में फोन किया था, वहां तो वो रहता नहीं। उसका फोन आए तो कह दीजिएगा कि मैं नीलू के घर पे हूँ। यू आर राइट नीलू, जो चीजें दूर से चमकती हैं, पास आने पर उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। पहले आप अपनी किस्मत पर भरोसा करके किसी एक इंसान से शादी करो, फिर उसके घर के कायदे कानून के हिसाब से एक नई जिंदगी जियो, और अगर वो भी काफी ना हो तो अपने पति की सारी बुराइयों को नजरअंदाज करो। और एक दिन पता चलता है कि आप अपनी पहचान खो चुके हैं। यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी। अनु, मैंने तुम्हें जितना भी जाना है ना, तुमने जिंदगी में हर मुश्किल का सामना डट के किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी यही करती रहोगी। इत्मीनान रखो ना बेब्स, जस्ट हैव पेशेंस ना। पेशेंस। अनुराधा, टाइम देखा आपने? जी हाँ, 11:30 बज रहे हैं। ये कोई वक्त है किसी शरीफ घर की बहू के घर लौटने का? विवेक आ गया? वो लड़का है। आप ठीक कहती हैं, शादी के बाद भी उसका लड़कपन नहीं गया। इन दोनों को घर तक ध्यान से छोड़ के आना। क्या वो सावन को पब में मिलकर मुझे फोन करना। ठीक है भाई। ए चल। अरे बैठ बैठ। क्या हुआ? आप दोनों अभी तक सोए नहीं? अरे जिस घर की बहू 11:30 बजे लौटेगी, वहां माँ बाप को नींद आएगी क्या? तुम्हारे लाख समझाने पर भी उसके तौर तरीके बदले नहीं है। पोशाक देखो जो पहनती है आजकल। अरे मैं कहती हूँ सख्ती से काम लो, वरना पानी सर की। अनु, ये टीवी बंद कर दो। क्यों? तुमसे बातें करनी है। बोलो। कितनी बार तुम्हें वही बातें समझानी पड़ेगी? कौन सी बातें? कौन सी बातें? सिंपल थिंग्स, डैम इट। इस घर के कुछ तौर तरीके हैं। कितनी बार हम लोगों ने तुम्हें समझाया, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ता। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अपने आप को बदलती क्यों नहीं? Why don't you change yourself, damn it? इसलिए कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के डबल स्टैंडर्ड से सख्त नफरत है। शादी के बाद तुम किसी भी तरह की जिंदगी जियो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कुछ भी करूं तो चौहान खानदान की इज्जत कटती है।
अगर इज्जत ही बनानी थी ना विवेक, तो ऐसी लड़की को घर ले आते जिसका पति रोज शराब पीकर बाहर किसी और के साथ सोकर घर आए, और वो उससे ये पूछने के बजाय कि वो कहाँ था उसके पैर दबाती है तुम्हारी माँ की तरह। तुमने मुझे थप्पड़ मारा विवेक, तुमने मुझ पर हाथ उठाया विवेक। अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले तो मैं तुम्हें और मारूंगा, समझे? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं विवेक जो पति का थप्पड़ खाकर किचन में जाकर रोती है। याद रखना। हाँ मिस बोल। हाँ सावन को रोक के रखना, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। सही क्या हुआ? कुछ नहीं, अब चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? सावन को मिलना है पार्टी फंड के लिए। सावन को मिलना है इस वक्त? अरे सुन,